काफी समय से लोगों के बीच बिग बॉस के लिए बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जो कल आकर खत्म हो गई जब शो के होस्ट टाइगर सलमान खान ने धमाकेदार अंदाज में इसके 12वें सीजन का आगाज किया। छोटे पर्दे का सबसे पॉपुलर शो होने के नाते लोग इस शो का साल भर इंतजार करते हैं, जहां उन्हें टीवी और फिल्म जगत के कुछ सेलिब्रिटीज को एक साथ 3 महीने एक घर में देखने का मौका मिलता है। इस साल भी कुछ नामचीन चेहरों ने शो में एंट्री ली है, लेकिन उन सब में जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है वो है अनूप जलोटा के साथ आई उनकी सुपर हॉट गर्लफ्रेंड जसलीन मथारू। लेकिन कोई ये जानता है कि आखिर जसलीन है कौन और इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक वो कैसे पहुंची? तो आइए आज आपको इस बोल्ड हसीना से रूबरू करवाते हैं। बिग बॉस में एंट्री ले चुकी जसलीन मथारू अपने प्रोफेशनल कैरियर में एक सिंगर के साथ साथ स्टेज परफॉर्मर और एक्ट्रेस भी हैं, जो जन्म से ही मुंबई में पली बड़ी है। जसलीन जब 12 साल की थी तब से ही उन्हें क्लासिकल सिंगिंग का शौक था, वहीं उन्होंने संगीत महज 11 साल की उम्र में सीखना शुरू कर दिया था। जसलीन पंजाबी परिवार से है और अपने कॉलेज में बेस्ट फीमेल सिंगर का पुरस्कार भी जीत चुकी है। जसलीन कई नामचीन सिंगर्स के साथ प्रस्तुति दे चुकी है, जिनमें मीका सिंह, सुखविंदर सिंह, अमजद खान जैसे सिंगर्स शामिल हैं। अनूप जलोटा की शिष्या भी हैं और गायकी का हुनर भी सीख रही हैं। जसलीन भारतनाट्यम, हिप हॉप, सालसा और बेली डांसिंग फॉर्म्स की ट्रेंड डांसर हैं। जसलीन एक एल्बम में भी काम कर चुकी हैं जिसका नाम लव डे था। साल 2013 में आई फिल्म डर्टी रिलेशंस में उन्होंने एक्टिंग भी की है। जसलीन के पिता केसर मथारू एक डायरेक्टर भी हैं। अनूप जलोटा संग बिग बॉस में एंट्री लेने से पहले जसलीन ने एक वीडियो के जरिए बताया कि पिछले 3 साल से वो अनूप के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिसे दोनों अब दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दोनों अपनी जोड़ी से बिग बॉस में आग लगा पाएंगे या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।